प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो ताकि इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये मैंने लिखा है, रेट्स ऑन प्रॉपर्टी पोर्टल्स आर करेक्ट और नॉट। हम देखते हैं कि जमाना किस चीज़ का है, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में हम मैक्सिमम यूज़ टेक्नोलॉजी का हो रहा है रियल एस्टेट में। तो अब मैजिक ब्रिक पे चले जाओ, 99 एकड़ पे चले जाओ और दूसरे किसी भी पोर्टल पे चले जाओ, वहाँ रेट लिखे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी है इतने का है। अभी मैं यहीं पर मोहाली में ही कोई 300 गज का घर है, वो बंदे ने अपना मैजिक ब्रिक्स और उसके ऊपर 99acre.com पे डाला हुआ था रेट। 300 गज का रेट जो 4.5 करोड़ पे एकड़ का, मतलब 4.5 करोड़ पे डाला हुआ था उसमें। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि ये रेट सही है या नहीं सही है। तो हमने ये देखना है कि वो जो बंदा रेट मांग रहा है, क्योंकि डालने वाला कौन है, डालने वाला तो मैं हूँ या जो प्रॉपर्टी ओनर है वो है, वो चाहेगा अपने प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा रेट ले। और कई बार लोगों को सिर्फ मज़ा लेने की आदत होती है कि मेरी प्रॉपर्टी ये पड़ी थी मेरे पास, ये कितने की होगी, वो इतना रेट मांगते हैं कि उनके पास जब ग्राहक आता है तो उससे फिर आगे फिर मांगना शुरू कर देते हैं, उससे फिर आगे फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो हमने देखना क्या है, ऐसे लोगों से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो रेट आपको प्रॉपर्टी पोर्टल पर लिखा है कि सही है या नहीं सही है। मैजिक ब्रिक्स का लगा लो, OLX का लगा लो। OLX में भी कई बार अलग अलग तरीके का डाला होता है। मैंने कोई ट्राईपॉड लेना था तो उस वहाँ पर रेट 12,000 पे लिखा हुआ, जब मार्केट में रेट ट्राई किया ट्राईपॉड जो था वो मार्केट में 13,000 का था नया बिल्कुल, तो मतलब इतना चला के 12,000, तो बेचने वाला आके फिर 6,000 में भी दे दिया उसने। तो ये चीज़ें हमने देखनी कि उनका रेट जेन्युइन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, वही फार्मूला जो मैं बार बार बोलता हूँ, CCM, कैलकुलेशन। नंबर दो, कंपैरिजन ऑफ रेट, और फिर मैनेजमेंट या मैनिपुलेशन। तो सिंपल, यदि ये चीज आपको आ गई तो ये जितना मर्जी रेट लिख लें ऊपर, 4.5 करोड़ की बजाय 10.5 करोड़ का लिख लें, यदि आपको पता लग गया, आप ये कंपैरिजन करना सीख गए, तो आप डेफिनेटली आप इसमें मार नहीं खा सकते। आपने इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि इस तरीके की यदि आपके पास कोई डील आती है तो क्या वो बंदा, जो सामने वाला बंदा है, वो रेट उसका जेन्युइन मांग रहा है या जेन्युइन नहीं मांग रहा। यदि जेन्युइन नहीं मांग रहा तो हमने जेन्युइन रेट कैसे लगाना है उसका, वो तभी आएगा हमारे पास जब ये हमें CCM का फार्मूला ये समझ आ जाएगा। CCM का मतलब ये बीच वाला जो कंपैरिजन ऑफ रेट है, आसपास के रेट, उधर का रेट, बने हुई यदि घर बना हुआ है उसका रेट, कंस्ट्रक्शन कैसी है, कितनी पुरानी है, नक्शा कैसा है, ये बहुत चीज़ें के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तो आप तब तक ये चीज़ें सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।